नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप सुन रहे थे, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान अपने संबोधन में कई सारी बातों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने गरीबों की बात की कि अभी पिछले 9 सालों की अगर बात करें तो कई सारे गरीब, करीब 25 करोड़ गरीब ऐसे हैं जो गरीबी से निकल कर बाहर आए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के गरीबों को मुफ्त राशन देकर उनको अनेक चिंताओं से मुक्त किया है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भक्तिभाव से भरा हुआ ये समय है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि पूरा देश भक्तिमय हो चुका है, राममय हो चुका है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 जनवरी को ऐतिहासिक क्षण होगा जब भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। नासिक के पंचवटी से मेरे अनुष्ठान की शुरुआत हुई थी। आपको पता है कि प्रधानमंत्री इन दिनों एक अनुष्ठान भी कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही यजमान के तौर पर इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा कि राम ज्योति से आपके घर की गरीबी दूर करने की मिलेगी प्रेरणा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा, भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि काश बचपन में मैं भी ऐसे ही घर में रह पाता, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो कई सारे लोगों को उनके घरों की चाबियां भी आज प्रधानमंत्री ने सौंपी, उनको उनके घर मिले, क्योंकि हर किसी का एक सपना होता है उनका घर अपना हो। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी, जो प्रधानमंत्री अपने संबोधन में अक्सर कहते हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि मोदी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन, और अपने संबोधन के दौरान काफी भावुक होते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। उन्होंने कहा कि काश बचपन में मैं भी ऐसे घर में रह पाता। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। पीएम आवास योजना के तहत मनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है, और मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जब गरीबों को मकान सौंपे गए तो उस दौरान प्रदर्शनी पूरा देखते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। महाराष्ट्र के सोलापुर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस दौरान जो नए घर रायनगर हाउसिंग सोसाइटी के जो नए घर सौंपे गए हैं गरीबों को, उनका पूरा निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नजर आया, और एक एक चीज़ की जानकारी उन्होंने ली कि गरीबों के लिए आखिर इन मकानों में क्या कुछ सुविधाएँ दी जा रही हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने अमृत 2.0 परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया है। तो ये तस्वीरें उस दौरान की दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें आपको बता दें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम परियोजनाओं की सौगात महाराष्ट्रवासियों को दी। और इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो वक्त है, ये जो समय है, वो हम सभी के लिए भक्ति भाव से भरा हुआ है। और अपने संबोधन के दौरान जब गरीबों को घर मिलने की बात हुई तो प्रधानमंत्री इस दौरान भावुक होते हुए भी नजर आए, और उन्होंने कहा कि यही मेरा आशीर्वाद है जो गरीबों को की तरफ से मुझे मिल रहा है, और जब मैं देखता हूँ कि उनके सपने साकार हो रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि उनके सर पर एक छत हो, उनका अपना घर हो। तो दशकों पुरानी जो पीड़ा है वो भी दूर हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भी जिक्र किया अपने संबोधन में। प्रधानमंत्री ने कहा कि पक्के मकान प्राप्त करने वाले भी 22 जनवरी को राम ज्योति प्रज्वलित करें, क्योंकि इन दिनों सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि पूरे देश में जो माहौल है वो भक्तिमय हो चुका है, वो राममय हो रहा है। तो ऐसे में उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया, और ये उस दौरान की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जब जिन घरों की चाबियां गरीबों को सौंपी गई हैं
उन घरों का निरीक्षण भी प्रधानमंत्री ने किया जो EWS हाउसेस हैं, और इन घरों में क्या कुछ सुविधाएं हैं उनका पूरा निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे और उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपने संबोधन प्रधानमंत्री ने कहा कि हजारों परिवारों को जो सपनों का साकार होना है ये मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है, और इस बात को कहते हुए प्रधानमंत्री भावुक भी हुए। उन्होंने कहा कि काश बचपन में मैं भी ऐसे घर में रह पाता, क्योंकि जो बुनियादी सुख सुविधाएं हैं वो सारी इन घरों में मौजूद हैं, और अब इन घरों घर प्राप्त करने वाली अनेक पीढ़ियों की तरह कई सारे कष्ट इन्होंने झेले हैं, लेकिन अब इनका घर का जो एक सपना है वो अब साकार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है कि इन गरीबों के जो सपने हैं वो अब साकार हो रहे हैं, और पिछले 9 सालों की यही मेरी मेहनत है। काश मेरे पास भी बचपन में ऐसा ही घर होता, क्योंकि इन घरों में जो बुनियादी सुख सुविधाएं हैं वो सारी मौजूद हैं। तो इन घरों की चाबियां प्रधानमंत्री ने सौंपी। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाकर इज्जत घर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के सोलापुर दौरे पर, जहां उन्होंने कहा कि हमारा मार्ग है आत्मनिर्भर श्रमिक और गरीबों का कल्याण। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में अक्सर गरीबों का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, उन्होंने वो कहते हैं कि जो गरीब है वही मेरा भाई है, और उनके जो कष्ट है वही मेरे कष्ट हैं, और मैं उनके कष्टों को दूर करूंगा। प्रधानमंत्री अक्सर अपने संबोधन में इसका जिक्र करते हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम जो लोग जिनके सर पे छत नहीं थी उन लोगों को छत दी गई। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में लंबे समय तक केवल गरीबी हटाओ के नारे लगते रहे, लेकिन अब वाकई देखा जाए तो अब वाकई गरीबी दूर हो रही है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो अब गरीबी रेखा से निकलकर बाहर आ रहे हैं। गरीबी के नाम पर बनाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ असली हकदार नहीं उठा पाते थे पहले, लेकिन आज जो योजनाएं खासतौर पर गरीबों के लिए बनाई जा रही हैं उसका सीधा लाभ गरीबों को मिल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री आज बेंगलुरु में नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। 1,600 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित 43 एकड़ का ये परिसर अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा निवेश है। प्रधानमंत्री बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं इस पर आधारित ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के बाहर बोइंग के सबसे बड़े बोइंग इंडिया के अत्याधुनिक एरोस्पेस इंजीनियरिंग फैसिलिटी कैंपस का उद्घाटन करेंगे। ये कैंपस 43 एकड़ में फैला है और 1600 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। बोइंग इंडिया का यह निवेश वैश्विक एरोस्पेस रक्षा उद्योग को मजबूती देने में मददगार साबित होगा। यहाँ पर हमने बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया है। ये लगभग 43 एकड़ की जमीन पर बना हुआ है और ये फेज 1 है। यहाँ पर हम लैब्स बना रहे हैं। पीएम मोदी बोइंग सुकन्या प्रोग्राम का भी उद्घाटन करेंगे। बोइंग सुकन्या आधी आबादी के लिए विमानन के क्षेत्र में अवसर देगा। बालिकाओं की आकांक्षाओं को नई उड़ान तक ले जाएगा। ये लड़कियाँ विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित जैसे विषयों में कौशल सीख पाएंगी और अपनी मंजिल की जुस्तजू में अपना कारवां बढ़ाएंगी। ये भी एक ऑप्शन है, जैसे आप अपनी पढ़ाई में अपने करियर के बारे में आगे सोचने लगते हो तो एविएशन और एरोस्पेस में जो अब नई अपॉर्चुनिटीज भारत में होंगी या भारत से निकलेंगी उसमें इनकी भागीदारी और इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोइंग इंडिया का भारत के साथ 80 साल पुराना दोस्ताना है। ये दोस्ताना रक्षा से लेकर उड्डयन क्षेत्र और व्यापार को आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाया है। खासकर बोइंग इंडिया की इस पहल ने न केवल नागरिक उड्डयन में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है बल्कि एक संदेश भी दिया है कि बात अगर उड्डयन क्षेत्र की होगी तो पूरी दुनिया की नज़र भारत पर होगी। बोइंग इंडिया की इस पहल से भारत का रक्षा क्षेत्र और विमानन क्षेत्र को मजबूती मिलेगा और बोइंग सुकन्या न केवल महिलाओं के लिए अवसर का द्वार खोलेगी बल्कि महिलाओं की मंजिल को अनंत उड़ान तक ले जाएगी। कैमरामैन शिव सुमन के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, बेंगलुरु। और साथ ही आपको बता दें कि अपनी 3 राज्यों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 समारोह में भी शामिल होंगे। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की प्रतिस्पर्धाएं तमिलनाडु के 4 शहर
चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में आयोजित होंगी। खेलो इंडिया के मंच से आपको बता दें कि कई सारे खिलाड़ी निकले हैं जिन्होंने बढ़ते समय के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम की धूम मचाई। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प रहेगा कि इस बार के संस्करण से और कितनी युवा प्रतिभाएं सामने निखर कर आती हैं जो आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगी। आइए आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। देश में खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म ने न केवल देश को बेहतरीन खिलाड़ी दिए बल्कि इसी प्लेटफॉर्म से निकले खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने नाम की धूम मचाई। ऐसे में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का एक और संस्करण सामने है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण की मेजबानी के लिए तमिलनाडु तैयार है। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की प्रतिस्पर्धाएं तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में आयोजित होंगी। 19 से 31 जनवरी तक चलने वाले इन खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। दक्षिण भारत में पहली बार आयोजित हो रहे इन खेलों में 5,600 से ज्यादा एथलीट अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए तैयार रहेंगे। इस बार इन खेलों में पहली बार स्क्वैश के खेल को जोड़ा गया है जबकि सिम्बलम का खेल डेमो के रूप में सामने होगा। इन खेलों में महिला सशक्तिकरण की तस्वीर को भी शुभंकर वीरा मंगई के माध्यम से सामने रखा गया है। वैसे इन खेलों में हरियाणा और महाराष्ट्र का दबदबा देखने को मिलता रहा है। पिछली बार मध्य प्रदेश में आयोजित हुए इन खेलों में महाराष्ट्र ने कुल 161 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था। हार और जीत से बढ़कर ये मंच उन युवा एथलीट के लिए वरदान साबित हुआ है जो खेलों में अपना भविष्य न केवल संवार रहे हैं बल्कि खेलो इंडिया के मंच का उपयोग कर खुद को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच किस तरह से मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार रखें इसका भी लाभ ले रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण इस बार भारत के तमिलनाडु में हो रहा है। वीर मंगई, जिनका जिक्र आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से कई बार सुना होगा, इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इनॉग्रेशन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और मास्कॉट है तेजस्विनी वीर मंगई। इन्हीं की तरह जो खिलाड़ी हैं वो इस बार अपना पूरा दमखम दिखाएंगे और नई उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। पी सेंथिल कुमार के साथ दीपिका महतो, डीडी न्यूज़ के लिए चेन्नई से। और वहीं प्रधानमंत्री चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान ही प्रसारण क्षेत्र से जुड़ी करीब 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी करेंगे। इसमें डीडी पोधिगई को डीडी तमिल के रूप में दोबारा लॉन्च किया जाएगा। साथ ही 8 राज्यों में 12 आकाशवाणी FM प्रोजेक्ट और जम्मू एवं कश्मीर में 4 डीडी ट्रांसमीटर भी शुरू होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 12 राज्यों में 26 नई FM ट्रांसमीटर परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। और खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? कब? जब दिसंबर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा अब ये दिसंबर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी पाइप नहीं। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है, जियो पेपर प्राप्त हुए, लड़ता है झगड़ता है पर आगे बढ़ता है, जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है, इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेघालय के दौरे पर हैं। अमित शाह ने शिलांग में युद्ध स्मारक पर इस दौरान अपने दौरे के दौरान पुष्पांजलि अर्पित की है। उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
और वहीं हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडियन ऑयल के पारादीप और पानीपत रिफाइनरीज में बने रेफरेंस फ्यूल का लोकार्पण किया। पहली बार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने रेफरेंस गैसोलाइन और डीजल फ्यूल्स तैयार किया है। भारत इन दिनों तेजी से ईंधन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं उसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। निर्भरता की ओर लगातार कदम बढ़ाते हुए भारत ने एक और मिसाल कायम की है। रेफरेंस फ्यूल के उत्पादन में भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 26 अक्टूबर को भारत में पहली बार इंडियन ऑयल द्वारा उत्पादित रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का शुभारंभ किया। इससे भारत ने फ्यूल सेक्टर में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। रेफरेंस फ्यूल बेहद उच्च कोटि का फ्यूल होता है जो सामान्य या प्रीमियम पेट्रोल या डीजल से काफी बेहतर होता है। दुनिया भर में वाहन निर्माता कंपनियां इसका इस्तेमाल गाड़ियों के इंजन के रिसर्च के लिए करती हैं। भारत दशकों से रेफरेंस फ्यूल की मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर रहा है, लेकिन अब सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश में ही रेफरेंस फ्यूल का उत्पादन करेगी। अब वाहन मैन्युफैक्चरर्स और परीक्षण एजेंसियों को कम कीमत पर ये उच्च कोटि के फ्यूल आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। ओडिशा में IOC की पारादीप रिफाइनरी रेफरेंस ग्रेड के पेट्रोल का उत्पादन करेगी, जबकि हरियाणा के पानीपत में स्थित इकाई ऐसी गुणवत्ता वाले डीजल का उत्पादन करेगी। व्हाट वी आर इंपोर्टिंग, इसको इंपोर्ट जैसे ये हो गया, आप इंपोर्ट बंद हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे और कौन सी दुनिया में, तीन कंपनीज है दुनिया में बनाते। मेरी असेसमेंट ये है कि एक बार ये हमारा ये पूरा हो जाए, यू विल बिकम अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ दिस आल्सो। दुनिया में रेफरेंस फ्यूल की केवल तीन आपूर्तिकर्ता ही हैं, जिनमें अमेरिकी दिग्गज शेवरॉन भी शामिल है। सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमत जहां 90 से 96 रुपए प्रति लीटर है, वहीं आयातित रेफरेंस फ्यूल 800 से 850 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलता है। घरेलू स्तर पर रेफरेंस फ्यूल का उत्पादन होने से इसकी कीमत में काफी कमी आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं रामनगरी अयोध्या से जुड़ी तमाम खबरों की। दरअसल अयोध्या में श्रीराम मंदिर में आज अनुष्ठान के चौथे दिन अग्निमंथन से अग्नि प्रकट हुई और इसके लिए विधिवत पूजा अर्चना भी की गई। वहीं इससे पहले गणपति आदि स्थापित देवताओं के पूजन का कार्य भी संपादित किया गया। बहुत दुपदे संज दुख पदे वास्तु पुरुषाय नमाध्यायामी ध्यान सभास्थान नित्य वे गोप्यच्छा मन्वरिष्ठा दी दुक्रेता यच रकाचार्जम बापमने सही लगम गुरुवास्वाख्यारि वास्तु मंडल देवता सहिताय सवरुणाय वास्तु पुरुषाय नमः ऋण्वन्तु तमेधघोषितपाकं पचन्तु कालोद्भवानि फलानि समर्पयामि मुकुशोत्तरते ताम्बूलवत्तम्बूकमलम् ऊतसमातश्चक्षातामदि। और इसी के साथ बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी इन दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा का जोर है। मिजोरम के विभिन्न जिलों में संकल्प यात्रा जारी है। इसी कड़ी में सिरछिप जिला के थेंजोल पूर्व और थेंजोल पश्चिम में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इसी तरह सैतुअल जिले के केईफांग वेगलुन VC और केईफांग लिटन VC क्षेत्र में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। मिजोरम के ख्वाजावल जिले के वांगकल और कावकुल में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर जारी रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में 7 से 10 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले दो दिनों के दौरान उत्तर भारत में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी राजस्थान में रात और सुबह के समय कुछ घंटों तक घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना है। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखें हमारा खास कार्यक्रम एक्सप्रेस 100 सहयोगी संध्या के साथ। नमस्कार।